आखिरकार इंसान क्या क्या कर सकता है, उसकी बौद्धिक क्षमता कितने हाई लेवल पर है, वह क्या क्या निर्माण कर सकता है। यहाँ तक कि उसने तो बिना सूर्य का सूर्य बना ही दिया है, उसने बिना चांद का चांद तो बना ही दिया है, बिना सूर्य के वह तो लाइट उत्पन्न कर ही दे रहा है, यहाँ तक कि वो भाप का भी प्रयोग करके वह इंजन को चला दे रहा है, वह थोड़े से ईंधनों को लेकर एयरक्राफ्ट तक बना दे रहा है, वह भगवान के द्वारा बनाई गई एक महान हस्ती जिसे हम लोग इंसान कहते हैं, उसे करोड़ों की संख्या में एक बार में मार देने की कुछ क्षमता भी हासिल कर ली है। तो आप लोग क्या जानते हो कि यही इंसान अपने मौत का कारण भी बनेगा, यही जो अच्छे अच्छे इनोवेशन करता जा रहा है उन्हीं में से एक है रोबोट। रोबोट आप लोग जान ही रहे होंगे कि आर्टिफिशियल ह्यूमन जिसे हम कहते हैं इंसान, इंसान एक ऐसे प्रकार का जो अब तो स्वयं ही सोचने लगेंगे, इतनी हाई लेवल पर वो इंसान होने लगे हैं कि वो धूप छाँ का अनुभव कर रहे हैं, वो खट्टे मीठे का अनुभव कर रहे हैं, वे और मीठे और तीखे का भी अनुभव करने लगे हैं, उन्हें अब सुख और दुख दोनों में अलग अलग इमोशन दिखाए जा रहे हैं, उन्हें इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि वो बिल्कुल इंसानी सभ्यता से अलग ना लगे, उन्हें इस प्रकार से ह्यूमेनाइट किया जा रहा है कि वो ऐसा लगेगा कि वो इंसान है जो कि बिल्कुल एक इंसान। लेकिन आप लोग क्या जानते हो कि वही लोग हमारे मौत का कारण बन सकते हैं। अगर आप नहीं जानते दोस्त, इस वीडियो में आप बने रहिए क्योंकि आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात होगी, तो प्लीज बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। तो नमस्कार दोस्त, मेरा नाम है अनुराग, आप देख रहे हो जोशी न्यूज। तो चलो ना शुरू करते हैं। इंसान जो कि अपने हर एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो असंभव को भी संभव कर देने की कुछ क्षमता रखता है, वह अगर चाह ले कि हमें आज किसी न किसी चीज को चाहिए वह कर सकता है। तुलसीदास जी ने अपने रचना क्रम में लिखा है कि कवन सो काज कठिन जग माही, यानी कि इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य छोटा नहीं है। जब तुलसीदास जी ने बिना किसी यंत्र का प्रयोग किए पृथ्वी से सूर्य की दूरी को नाप दिया, तो क्या इंसान आज हमारे पास इतने अधिक मात्रा में वेपन्स मौजूद है, क्या हम कुछ असंभव को संभव नहीं कर सकते? तो इंसान यार संभव को ही संभव करने का कुछ क्षमता को लेकर एक नया निर्माण किया जिसे कहते हैं रोबोट। रोबोट एक ऐसी दुनिया होती है दोस्त जहां इंसान होते हैं लेकिन उनके पास चमड़ी खून मांस नहीं होते हैं, यानी वो इंसान जिन्हें खुदा ने ना बनाकर उसे इंसान ने बनाया हो, यानी कि रोबोट के लिए भगवान हम इंसान होंगे। लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि हमारे पास तो भगवान आसपास नहीं है, क्योंकि हमें ये कह दिया जाता है कि भगवान तो सर्वत्र मौजूद है, जहाँ देखो वहीं भगवान है। लेकिन क्या हम भगवान को आँख से देख पाते हैं? नहीं, केवल कहते हैं, सभी लोग महसूस करते हैं। उसी प्रकार लेकिन रोबोट इंसान को भले ही भगवान माने या ना माने, लेकिन वो तो हमें देख रहे हैं, अगर वो चाहें तो हमें खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या पॉसिबल है? तो इंसान जो कि अपने हर एक करामात को रोबोट के ऊपर दिखा रहा है, अपने सबसे सुंदर से सुंदर चीजें बनाने में प्रयत्न कर रहा है और उसे इतना ह्यूमेनाइट कर रहा है, वह पूर्णतया इंसान हो और उसके पास भी सोचने की क्षमता आ जाए। अगर इंसान की इनोवेशन ऐसे ही चलती रही तो आने वाला समय हमारे लिए भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हमने जहां ही विध्वंसक हथियार परमाणु को भी जन्म दिया है, हमने ही महाविध्वंसक हथियार हाइड्रोजन बम को भी जन्म दिया है, हमने ऐसे ऐसे एयरक्राफ्ट बनाए हैं जो कि इंसानी सभ्यता को तुरंत नष्ट कर सकते हैं। बड़े बड़े इंसान ही नहीं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हो, वो अभी मात्र एक बुलेट में मर सकता है और एक छोटा सा बंदा भी उसी एक बुलेट से मर सकता है। तो इंसान की ही ये सभी देन है दोस्त, और कहीं ना कहीं इसकी ही इनोवेशन इसे खतरे पर ले जाएगी। अगर इंसानी चीजें ऐसे ही चलती रहीं कि अगर वो हर एक चीज बनाता रहा, उसने कार बनाया, उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लोग देख ही रहे हो, पॉल्यूशन इतनी अधिक मात्रा में कि पूछो मत। उसने कार बनाया तो उसे एडवांटेज ये मिला कि वो काफी दूरी की यात्रा बिल्कुल आसानी से कर सकता है, तो रोबोट क्या इंसान की जान ले पाएंगे दोस्त? क्या उनकी बौद्धिक क्षमता इतनी विकसित हो जाएगी कि वह इंसान को मार देने की क्षमता हासिल कर सकते हैं? ये चीज आप हमें कमेंट के माध्यम से बताना बिल्कुल मत भूलेगा। क्या तब तक के लिए कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।